सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आज हमारा बहुत बहुत स्वागत है। सो आज की वीडियो होने वाली है यार कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 के ऊपर। सो जब यार मैंने यूट्यूब काउंसलिंग की वीडियो बनाई थी तो बहुत डिमांड आ रही थी कि भैया एक कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो बना दो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहती है यूट्यूब काउंसलिंग में, ठीक है। तो यार 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा बेस्ड ऑन प्रीवियस टू ईयर्स कट ऑफ, ठीक है। तो जिन लोगों को पता नहीं है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है उन्हें पहले बता देता हूँ। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर एक कॉलेज है जो आता है जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेज आते हैं, जीबी पंत यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल 8 कॉलेज हैं, उनमें से एक है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जहाँ तुम्हारे बीटेक के कोर्सेज होते हैं, ठीक है, बीटेक के। तो यार ये फोटो मैंने यहाँ पे डाल रखी है तुम्हारे सामने, तुम देख सकते हो, ये मेरे कॉलेज की फोटो है, ये मैं तुम्हें जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये वो बिल्डिंग है जहाँ अंदर सारी क्लासेस होती हैं बीटेक की, और ये मैं हूँ और ये मेरा दोस्त है भाई शरांश, ठीक है। तुम देख सकते हो यार, ये मेरे फर्स्ट ईयर की फोटो है जब मैंने यार एडमिशन लिया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यार काउंसलिंग होती कैसी है पंतनगर यूनिवर्सिटी में। तो पंतनगर यूनिवर्सिटी में जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो क्या है, तो यार पहले होती है यूट्यूब काउंसलिंग। यूट्यूब यार एक ऐसी संस्था कह लो या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कह लो, ठीक है, जब जो काउंसलिंग कराती है बीटेक के लिए जितने भी उत्तराखंड में कॉलेज है उनको, ठीक है, उनके लिए। तो यूके टेक की एक वेबसाइट है, उस पर ये काउंसलिंग हो रही होती है तुम्हारी, जितने भी उत्तराखंड के बीटेक वाले कॉलेजेस होते हैं। दो चरणों में होती है, ठीक है, दो राउंड में होती है, दो राउंड होते हैं, ठीक है। तो एक यूट्यूब वन होता है जिसमें पहले यार सारी सीट्स हो जाती हैं, फिर जो बचती हैं उसके लिए यूट्यूब टू होता है। एक पॉइंट बता रहा हूँ, कभी भी ना पहला राउंड स्किप मत करना ये सोच के कि हमारी रैंक का मैं नहीं भरते हैं, ठीक है। पहले राउंड में कम बच्चे होते हैं तो चांसेस कभी कभी ज़्यादा हो जाती है और कम रैंक में चीज़ मिल जाती है, ठीक है। और जब यार यूट्यूब काउंसलिंग हो जाती है उसके बाद कॉलेज अपने लेवल पे काउंसलिंग कराता है, जिसे कहते हैं स्पॉट राउंड। तो कई लोगों को लगता है स्पॉट राउंड ऑफलाइन है, ठीक है, तो मॉडर्न जमाना है भाई टेक्नोलॉजी का, तो स्पॉट राउंड भी यार ऑनलाइन हो रहा होता है, लेकिन वेबसाइट यूके टेक की होती है, यूके टेक की नहीं होती है, जीबी पीयूईटी की वेबसाइट होती है, ठीक है। इसके भी यार 3 से 4 राउंड होते हैं जब तक सीट बचती है, ठीक है। तो ये भी तुम स्पॉट राउंड देख सकते हो। पर राउंड फीस की बात करते हो, 2000 रुपये तुम्हारी एक राउंड की फीस होती है, और जब तुम्हारी सीट कन्फर्मेशन होती है और रिपोर्टिंग होती है तो 2000 रुपये और लगते हैं, ठीक है। तो अगर तुम यार 2-3 राउंड भर रहे हो, क्योंकि अगर तुम्हें बेस्ट सीट चाहिए तो 2-3 राउंड नॉर्मली बंदा भरता है, तो 8000 से 10000 रुपये तुम्हारे काउंसलिंग में लग रहे होंगे यूट्यूब की, ठीक है। तो इतना तुम आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी यार अगर तुम्हें इसमें थोड़ी गाइडेंस वाइडेंस चाहिए, यार तुम्हें नॉलेज नहीं है ज़्यादा बीटेक की या यूट्यूब काउंसलिंग की, तुम्हें करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, कोई भी डाउट है, तो यार तुम अपना पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम यार ज्वाइन कर सकते हो जो हमने यूट्यूब काउंसलिंग पर निकाला है। लास्ट ईयर भी निकाला था यार, 200 बच्चों ने रजिस्टर किया था, इस साल भी अभी सिर्फ 6 दिन हुए और 50+ बच्चों ने रजिस्टर कर लिया, ठीक है। तो इसमें करियर गाइडेंस वगैरह यार और तुम्हारी चॉइस फिलिंग जितनी भी रहती है डॉक्यूमेंट रिलेटेड, और जब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं हो जाता तब तक पूरा यार 1-to-1 गाइडेंस रहता है, कॉल और चैट हर चीज़ पर, ठीक है। 299 फीस है यार, तुम ले सकते हो, डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कोई ना कोई पर्सनल काउंसलिंग किसी की भी लो, चाहे मेरी लो या किसी और की, यार बहुत लोग कराते हैं, ठीक है, अलग अलग प्राइसेस में, तो तुम ये वाली डेफिनेटली ले सकते हो। फिर इसके लिए तुम्हें गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं यार मुद्दे की बात पे, मुद्दे की बात यानी कि भैया कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो ये कट ऑफ की यार मैंने एक एक्सपेक्टेड ना टेबल बनाई है जो कि पिछले 2 साल की लिस्ट है, ठीक है। पिछले 2 साल की मतलब लिस्ट को मैंने देखा, एनालाइज किया और एक टेबल बनाई, ठीक है। तो ये तुम देख सकते हो, यहाँ पे यार मैंने ब्रांचेस लिखी हैं और यहाँ पे लिखी है कैटेगरी, ठीक है। तो ये है जनरल यूके डोमिसाइल मेल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे लिखे हुए हैं, तुम देख सकते हो। तो सबसे ज़्यादा यार कंप्यूटर साइंस की डिमांड आती है, तो अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस चाहिए ना तो यार 60,000 तुम्हारी रैंक होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली अगर तुम मेल हो, और अगर फीमेल हो तो यार 80,000 तुम्हारी रैंक होनी चाहिए। बात करें आईटी की, तो आईटी भी यार सीएससी जैसी ब्रांच होती है, सीएससी की छोटी बहन कह लो, थोड़ा कोर्स कम होता है। तो अगर तुम्हें साथ साथ कुछ ऐसा है कि सरकारी की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी करनी है तो तुम आईटी ब्रांच भी प्रेफर कर सकते हो, कोर्स करिकुलम कम रहता है तो फ्री टाइम ज़्यादा रहता है। इसकी यार 70,000 रैंक होती है मेल के लिए और 90,000 होती है फीमेल के लिए। बात करें ईसी की, तो ईसी में यार 90,000 मेल और 1.1 लाख फीमेल, ये अप्रोक्सीमेशन है यार, 10-20,000 ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी यार सीएसआईटी ईसी तुम लेना अगर तुम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी फील्ड में जाना चाहते हो, कोडिंग फील्ड में जाना चाहते हो। अब तुम्हारा अगर ऐसा यार तुम कन्फ्यूज हो, सरकारी नौकरी भी चलेगी, प्राइवेट भी चलेगी, कुछ भी चलेगा, तो तुम इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ले लो अगर तुम्हारी डिसेंट रैंक है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कट ऑफ्स हैं। बाकी यार अगर तुम्हारी रैंक कम है और तुम्हें एडमिशन नहीं लेना, ड्रॉप वगैरह नहीं लेना, तो सिविल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में से कोई भी ब्रांच तुम ले सकते हो। एग्रीकल्चर में देख लेना यार तुम, पहले पे मत भरना एग्रीकल्चर। कई लोग सोचते हैं यार जीबी पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता यार। वो बीएससी एग्रीकल्चर है जिसके लिए पॉपुलर है, ना कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग थोड़ी अलग होती है, मतलब इसमें यार मशीन्स के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है, जो मशीन यूज़ हो रही होती हैं यार किसानी में, जैसे ट्रैक्टर हो गया या जो भी यार आपकी मशीन यूज़ होती है, रादर देन क्रॉप्स, ठीक है। क्रॉप्स पढ़ाई जाती है, वो भी पढ़ाया जाता है,
उसके बाद आ जाते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की छोटी बहन है समझ लो, ठीक है। तो यार इसमें भी तुम्हारा सही रहता है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में कम कट ऑफ पे मिल जाती है, तो फायदा यार लेने में। बाकी प्लेसमेंट इसमें भी है, मार्केटिंग सेल्स वाली भी होती है और कोर जॉब्स भी होती हैं प्लांट वाली, ठीक है। अब बात करें यार बाकी, अगर तुम्हें कैटेगरी अलग है तो EWS है, तो यार यहाँ पे मैंने ये बना रखा है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि यार बहुत चेंज होते रहती है कट ऑफ, ठीक है। तो जैसे 2 लाख है, तो 2 लाख है तो कभी 1.8 लाख चला गई, तो कभी 2.2 लाख चला गई, ऐसा हो सकता है। OBC में यार ये मैंने लिस्ट बना रखी है, SC ST में भी तुम देख सकते हो, ठीक है। और अगर तुम ऑल इंडिया कोटे से आ रहे हो, यानी कि तुम्हारे पास UK डोमिसाइल नहीं है, क्योंकि UK डोमिसाइल वाले को 85% रिजर्वेशन होता है स्टेट कॉलेज में, तो ये रहने वाली है, ठीक है, कट ऑफ। बाकी यार कुछ स्पेशल कैटेगरीज भी होती हैं, यानी सब कैटेगरीज कहते हैं, ठीक है। जैसे TFW, यानी कि अगर तुम्हारी इनकम कम है, तो एक TFW का सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। उससे तुम्हें यार थोड़ा फी में कंसेशन मिल सकता है। बाकी एक आर्म्ड फोर्सेज होती है, तो उसका तुम देख सकते हो, अगर तुम्हारे घर में कोई आर्मी वाला है तो। कश्मीरी माइग्रेंट्स का होता है यार, और एक फिजिकल हैंडीकैप का होता है, ठीक है। इसमें मैंने NA इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी सीट्स बहुत कम होती है, तो कट ऑफ बहुत वेरी करती है। तो अगर ये तुम्हारे पास है, तो इसका भी तुम बेनिफिट ले सकते हो। आई होप तुम्हें यार ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। बहुत सिंपल शॉर्टेड वीडियो मैंने बनाने की कोशिश करी है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है, तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये मेरे सोशल मीडिया लिंक्स है यार, इनमें मुझे तुम फॉलो या मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could've played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever wanna try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic.